तो फाइनली यहाँ से अभी ट्रैक का रूट ऐसे खुला हुआ है, किसी ने मना नहीं किया, और ये है तुंगनाथ बाबा का द्वार। और आज है महाशिवरात्रि, हम तीन के तीन लोग कर रहे हैं ट्रैक तुंगनाथ बाबा के लिए। और दिवस अच्छा, मज़ा आ रहा है? और जोशी जी, काफ़ी मज़ा आ रहा है। सब लोग रेनकोट पहने हुए हैं, थोड़ी स्थिति ऐसी है गंभीर टाइप की, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है, तो सेफ्टी अपनी लेके चल रहे हैं। ये डंडे हमने यहाँ पर किराए पर लिए, यहाँ पर बूट भी मिल जाते हैं किराए पर, डंडे भी मिलते हैं किराए पर, और स्टिक भी मिल जाती है किराए पे, जैकेट भी मिलते हैं, ग्लव्स भी मिलते हैं, सब कुछ किराए पे मिल जाता है। तो अगर वैसे नॉर्मल शूज़ लेके आ रहे हैं तो आप रेंट पे ले सकते हैं, 100-150 रुपये रेंट मिल जाएगा। तो अब देखते हैं तुंगनाथ का रास्ता, जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिवा का टेम्पल। कुछ ऐसा है ट्रैक तुंगनाथ का, और हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, और सांस बहुत ज़्यादा फूल गई है, अभी सांस फूलने की आवाज़ आएगी आपको, बहुत हालत बड़ी गंभीर है। और रास्ते में करीब 4 फीट बर्फ है अभी। दिवस को सूद रखी है मस्ती, लगा रखी है इसने दौड़, देखो कितने तेज़ दौड़ रहा है ऊपर को, ठीक है। और जोशी जी और मेरी है हालत ख़राब, और ये बर्फ़ है जो रुकने का नाम दे रही है। अभी तक तो थोड़ी थोड़ी हल्की थी, अब बहुत तेज़ गिरने लगी है, लेकिन कम मात्रा में गिरती है, लेकिन बहुत तेज़ गिरती है। और वो नीचे आप देखो पूरा स्नो ट्रैक है, और पता भी नहीं चला कि रास्ता कहाँ पे है। कुछ लोग जो पहले गए हुए हैं तो उनके फूट स्टेप देख के हम लोग भी आगे आगे चल रहे हैं, वरना यहाँ चलना बहुत ज़्यादा कठिन है। और क्योंकि ये जो मंदिर है ये करीब आपके 2800 मीटर है सी लेवल से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी आती है। तो जब भी आप आएँ तो पानी की बोतल ज़रूर लेके आना, क्योंकि इस पूरे ट्रैक पे कहीं आपको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। ये आप देख रहे हो, यहाँ से होनी स्टार्ट हुई है हमारी हालत और ख़राब, क्योंकि ये रास्ता पूरा बना हुआ था, बहुत चौड़ा रास्ता था। अब इस रास्ते में पूरी बर्फ़ है, और इसके नीचे पूरी ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस के ऊपर फ्रेश बर्फ़ गिरी है, इसलिए हम लोग चढ़ पा रहे हैं, वरना हमारा चलना मुश्किल था। और उस ये जो आप लास्ट में रेलिंग देख रहे हैं पीछे उस साइड में, वहाँ से रास्ता ही गायब है, तो लोग यहाँ से शॉर्टकट मार रहे हैं, और इस शॉर्टकट के नीचे ऐसी मतलब आइस है, ब्लैक आइस भयंकर, कि उसके ऊपर करीब 1.5 फीट अभी फ्रेश बर्फ गिर है, इसलिए वो रास्ता चलने वाला हो रखा है, वरना एक बार मैं फिसला और नीचे ताकि गिरा वो मैं जानता हूँ। और ये देखो कैसा है रास्ता है, जबकि ये रास्ता काफ़ी चौड़ा था, कभी कभी 6 फीट चौड़ा रास्ता था करीब। और ये रास्ता देखो अभी पूरा गायब है, क्योंकि ऊपर से जितनी भी चट्टान है ये सब पिघल के नीचे पहुंचती है। एक्चुअली जो रास्ता है वो इस साइड से है, और ये मेन गेट है इसका मंदिर का। और देखिए ये गेट काफ़ी ऊंचा है, लेकिन अभी यहाँ पर करीब 7-8 फीट बर्फ़ है, तो इसकी वजह से पूरा यहाँ पर कुछ शॉप है, और नीचे कुछ शॉप है, सारी की सारी शॉप ढकी हुई हैं। ये पूरा रास्ता था मंदिर तक आने का, लेकिन सारा रास्ता ढका हुआ है, तो लोग उधर से सीधे मंदिर की ओर चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर को। और ये ऊपर रास्ता आता है चंद्रशिला पीक की ओर, जो आज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहीं आने में हालत हो गई है ख़राब। तो ये मंदिर का बैक साइड का व्यू है, दिवस मंदिर के चक्कर मार रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान से अपने सफल भविष्य के लिए, और भगवान इसकी मनोकामना जरूर पूरी करें। ये शिव शंकर भोलेनाथ की ताकत है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं जानता हूँ कि कैसे पहुँचे हम लोग यहाँ तक। अभी देखिए पूरा एवलांच आया हुआ है नीचे। एक्चुअली जो वे था वो था यहाँ से नीचे के रास्ते से, और जो ये सामने शॉप दिख रही है ऐसे घूम के मंदिर की ओर आता था। अभी स्नोफॉल इतना है कि पूरा रास्ता ढक गया है, तो अब यहाँ से लोग जा रहे हैं इसे मंदिर के आगे, वरना मंदिर के बैक साइड से फ्रंट पे आते थे। और ऊपर मंदिर है, मैं आज चलते चलते ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए ऊपर पहुँच के बनाऊँगा आपसे डायरेक्ट। Thank you.
वो नीचे की पूरी स्ट्रिप पार करके हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट शिवा के टेंपल में, सी लेवल से 3800 मीटर इसकी हाइट है करीब। तो यह है तुंगनाथ टेंपल, जहाँ पे करीब 6 फीट बर्फ होगी अभी, और पूरा मंदिर परिसर डूबा हुआ है। और ऊपर देखिए वो एवलांच आ रहा है, सारी बर्फ तूफान मोड़ के नीचे की ओर आ रही है। जयकारा वीर पतंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर पतंगी, हर हर महादेव। जे ऊंचाई देखिए कितनी ज्यादा ऊंचाई है, और वो ऊपर तो रेलिंग दिखाई दे रही है, वहां पे है ट्रैक, ऊपर की ओर जाना है। हम लोग नहीं उतर रहे नीचे फिलहाल। और देखिए बर्फ बहुत, इसमें फिसलन बहुत ज़्यादा है। इस बर्फ़ के नीचे मैं आपको बताऊं, इस बर्फ़ के नीचे देखिए यहाँ पे ब्लैक आइस है, ये आप देख रहे हैं ब्लैक आइस। अभी इसके ऊपर फ्रेश बर्फ़ गिरी हुई है, तो इसलिए चलना थोड़ा इजी हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब ऐसे ट्रैक पे आए तो अपने शूज में क्रैम्प जरूर ला के लाएँ। विदाउट क्रैम्प के आप बहुत ज़्यादा फिसल सकते हैं इस रूप में। आप देखो कि करीब पूरे ट्रैक पे 4-5 फीट बर्फ़ है, और ट्रैक वैसे ईजी था, लेकिन अभी हो गया डिफ़िकल्ट बहुत, क्योंकि लोग जो ऊपर से आ रहे हैं उनकी तो हालत ख़राब है। हम लोग बंदे हैं, पहाड़ी हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और आगे चल रहे हैं हमारे दिवस भाई, नीरज भाई। पीछे को देखो यार एक बार, लोग तुमको देखना चाहते हैं। ये हमने अपने रेनकोट पहने हुए हैं, इसका भी एक फ़ायदा है, रेनकोट ज़रूर लेके आना, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एक तो ये आपको बारिश और बर्फ़ से बचाएगी, और सेकंड थिंग जो यहाँ बर्फीली हवा चलती है उससे भी आपको बचाएगी। अगर बारिश और बर्फ़ ना भी गिरी हो तो आपको बर्फीली हवा से जरूर बचाएगी, अंदर आपके पांव ठंडे नहीं होंगे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? आज महाशिवरात्रि का दिन है, हम लोग आए थे तुंगनाथ ट्रैक पर, महादेव के दर्शन हो गए, और महादेव की कृपा से हम लोग पहुँच गए हैं तुंगनाथ मंदिर में। पीछे मेरे मंदिर है, और यहाँ आते आते आपने रास्ता देख लिया, कहते हैं हमको दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ज़्यादा शेयर करना, और नीचे कमेंट जरूर लिखना, और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे मैं ब्लॉग आपको बार बार दिखाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।